सुबह की पांच ऐसी आदतें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सबको ये पांच आदतें जरूर डालनी चाहिए। फटाफट से इनको समझते हैं। पहली चीज, उठते के साथ मोबाइल फोन देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़ देखना पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। जो लोग उठते के साथ मोबाइल स्क्रीन देखते हैं या टेलीविज़न स्क्रीन देखते हैं, यानी न्यूज़ सुनते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको ये समझना होगा कि हमारा जो मन है ना, वो बिल्कुल एक खाली स्लेट होता है सुबह उठते के साथ। उस पर जो आप लिख देंगे वो पूरे दिन के लिए लिखा जाएगा। मोबाइल फ़ोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, फीलिंग ऑफ जेलसी, फीलिंग ऑफ नॉट दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, या फीलिंग ऑफ वो तो इतना कुछ कर रहा है। न्यूज़ देखते हैं, अरे कितना कुछ बुरा हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, कितने कोविड केसेस हमारे आसपास आ रहे हैं, लॉट ऑफ अदर नेगेटिव थिंग्स वी थिंक। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी कितना, इट्स अ वॉयलेंट स्टार्ट ऑफ योर डे। सो जस्ट अवॉइड लुकिंग एट टीवी और मोबाइल फ़ोन और न्यूज़पेपर फॉर एटलीस्ट फर्स्ट वन आवर, एंड इफ नॉट वन आवर देन एटलीस्ट हाफ एन आवर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, उठते के साथ हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हम तो वो संस्कृति हैं जो उठते के साथ मंत्र के साथ प्रभु को धन्यवाद के साथ ही, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए, एंड उठते के साथ ग्रैटिट्यूड एंड 5 मिनट्स ऑफ वेरी सिंपल मेडिटेशन। अगर आपको नहीं आता मेडिटेशन कैसे करना है तो हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, 2 मिनट ऑफ मेडिटेशन, ओनली 2 मिनट। एंड इफ़ यू बिगिन योर डे विद दिस 2 मिनट ऑफ मेडिटेशन, आई कैन एश्योर यू योर लाइफ विल बी चेंज्ड। तो उठते के साथ क्या करना है, धन्यवाद का भाव और ध्यान का अभ्यास। तीसरी चीज़, सुबह उठने के बाद, यानी ये कर लिया, थोड़ा समय मदर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ ज़रूर बिताएं। आप वॉक पर जा सकते हैं, आप नीचे नहीं जाना चाहते, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, अपनी बालकनी में बैठिए, शुद्ध हवा लीजिए, उदयमान सूर्य के दर्शन कीजिए, लेकिन थोड़ा समय प्रकृति के साथ ज़रूर बिताइए। चौथी चीज़, कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी, हमने अपने मन के लिए तो कर लिया ना मेडिटेशन, कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी, सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, योगाभ्यास, डांसिंग, एनीथिंग, लेकिन सुबह उठ करके थोड़ी देर पूरे शरीर को हिलाना, स्ट्रेच करना, बेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरी रात आप विश्राम की स्थिति में थे। अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, बेटर ऑक्सीजन के लिए, अपने जॉइंट्स को खोलने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम छोटा सा कोई भी एक शेड्यूल लेकर के अभ्यास करें। पांचवी और अंतिम चीज़, अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना करें, लेकिन ब्रेकफास्ट में बहुत मसालेदार पराठे, खूब सारे, एक पराठा खा सकते हैं आप, बट बहुत सारे पराठे या फ्राइड पकौड़े, इस तरह की चीज़ें नहीं। ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी, सम्पशियस। क्या ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, ये हमारी और वीडियोस में हमने बहुत बार शेयर किए हैं। तो आप इन पांच हैबिट्स को अगर अपनाते हैं मॉर्निंग की, आप हमेशा खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आई जस्ट डू अ क्विक रिकैप। फर्स्ट, उठते के साथ मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न स्क्रीन या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। हमेशा अपने दिन का शुरुआत, दिन का आरंभ हमें ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन के साथ करना है। तीसरा, हमें थोड़ी देर प्रकृति के साथ सुबह उठते के साथ समय ज़रूर बिताना है। चौथा, हमें कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लेना है जिससे हमारे बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाए पूरे दिन के लिए, योगाभ्यास, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, एनीथिंग यू कैन डू। और पांचवी चीज़, अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना है। कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आपको पसंद आए और तो आप अपने जीवन में तो अपनाएं, बाकी सबके साथ भी साझा कीजिए। पूरी टीम भारत योग आपके लिए ये इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लाने में लगी हुई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पॉजिटिविटी आप तक पहुंच रही है उसको आप दूसरों तक भी साझा करें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट, @ए प्रतिष्ठा ट्विटर, भारत योगा यूट्यूब चैनल, भारत योगा इंग्लिश अनदर यूट्यूब चैनल। आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। Join us @ Facebook, Instagram, ShareChat, Koo app, Twitter and YouTube.